Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Welcome to Simply Lakshmi's Life. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं. और सुबह सुबह फ्रेश होकर मैं आ गई हूँ किचन में. आज कृति को मैं टिफ़िन में देने वाली हूँ नूडल्स, तो इसीलिए नूडल्स को बॉईल करूँगी और वेजिटेबल कट कर लूँगी. कृति को ना नूडल्स इतना पसंद नहीं है, बट सडनली उसने कल रात को मुझे बोला कि मम्मा मुझे कल नूडल्स लेके जाना है. पता नहीं क्यों कभी कभी बच्चों का मन ऐसा हो जाता है, तो मैंने सोचा चलो उसका मन किया तो बना देती हूँ. अगर खा लेती है ना तो टिफ़िन में एक आइटम तो मेरा बढ़ ही जाएगा, थोड़ा सोचना कम पड़ेगा कि क्या बना के दूँ. तो इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे सुबह सुबह ही नूडल्स बनाना स्टार्ट कर दिया. एक्चुअली लास्ट वीक को ना वो एक बर्थडे पार्टी पे गई थी और वहाँ जाके नूडल्स उसको बहुत अच्छा लग गया था, तो इसीलिए उसने शायद बोला होगा. और उसने बोला था कि वेजिटेबल मत देना, मैं यहाँ पे एकदम बारीकी से कट करके जो कैप्सिकम है उसको दे दूँगी. All the good times just begun. Oh, we know what we यहाँ पे मैं अभी आ गई हूँ कृति को उठाने के लिए, क्योंकि 6 o'clock तक उसका अलार्म स्टार्ट रहता है और 6:30 हो गया है अभी जाके वो उठी है. और जिस दिन 6:30 को उठती है ना उस दिन हड़बड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है. और यहाँ से सनराइज़ देखना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है. और कृति गई है नहाने, वो पहले नहा लेती है उसके बाद ब्रेकफास्ट करती है. तो इसके लिए मैं अभी 2 रोटी बना के रखूँगी. कभी कभार रोटी लेती है, कभी कभार सिर्फ मिल्क पी के स्कूल चली जाती है. और आज ना लेट हो गई है तो हड़बड़ी में है, इसीलिए जल्दी जल्दी में वो अपना बेड ठीक कर रही है और साथ ही साथ उसका हेयर टाई करना वो मेरा काम रहता है. और जल्दी जल्दी में कृति ने अपनी स्कूल बस पकड़ी और सिम्बा को लेके आए हैं नीचे ताकि थोड़ा सा वॉक वो कर ले, उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर. और बहुत सारे फ्रेंड ने पूछा है कि आप लोगों के वहाँ पानी का प्रॉब्लम है या नहीं. तो पानी का टैंकर हर दिन 2 टाइम के लिए आते हैं सुबह शाम, तो ऐसे ही है यहाँ पे हर जगह पे. बैंगलोर पे थोड़ी सी पानी की प्रॉब्लम चल रही है, तो चलिए अभी घर आके अतनु को चाय दे देंगे और मैं भी थोड़ी चाय पी लूँगी, क्योंकि आज मुझे किचन का क्लीनिंग करना है. जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं किचन का क्लीनिंग डिवाइड करके करती हूँ, आज मैं चिमनी की साइड क्लीन करूँगी. और मेरे पास ना 1 घंटा टाइम है, मेरी हेल्पिंग हैंड आने से पहले मैं इसको क्लीन करना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद झाड़ू पोछा हो जाएगा. तो मतलब गंदा करना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए 1 घंटे में मुझे इस पोर्शन को क्लीन करना है. चिमनी को ना मैं वुकी की प्रोडक्ट से क्लीन करती हूँ. इसके ऊपर मेरा एक डिटेल्स वीडियो है, अगर आप चाहो तो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो. इससे ना बहुत अच्छी तरह से क्लीन होता है और एक साइन आता है जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है. नहीं तो बहुत पहले ना मैं थिनर से क्लीन करती थी, उससे भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता लेकिन एक स्मेल छोड़ जाता था. तो इसीलिए अभी मैं वुकी का प्रोडक्ट बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ और बाकी जो भी क्लीनिंग है मैं होम रेमेडी से क्लीन करती हूँ. यहाँ पे मैंने 2 कप पानी और 1 कप विनेगर और मैंने थोड़ा सा डिशवॉशर लिक्विड लिया था 2 चम्मच के करीब और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, मतलब 1 चम्मच बेकिंग सोडा लिया था. और उसके बाद मैंने एक मिक्सचर बनाया था उसी से मैं क्लीन करती हूँ, जिसको मैंने एक स्प्रे बॉटल में डाल लिया था. और इससे ना बहुत अच्छी तरह से जो लैमिनेशन है, जो टाइल्स वगैरह है, अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है. जितना भी मतलब चिपचिपाहट रहता है ना पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है. और ये जो सेल्फ है ना एकदम गैस स्टोव के पास, ये जगह भी बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है. मतलब चिमनी आप ऑन करके कुकिंग करो फिर भी ये जगह तो हो ही जाता है ऐसा. तो इसीलिए ना ये जो मैंने लिक्विड बनाया है इसी से ही मैं इस जगह को क्लीन करूंगी और ये काफी अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है, आप देख सकते हो. Life is a winding road, no telling where it goes.
और जो जो सामान वहाँ पे रखा रहता है ना उसको भी थोड़ा सा घिस देती हूँ। उसके बाद जो जो मुझे पानी से क्लीन करना होता है, जैसे इसको मैं पानी से धो लूँगी तो ये जो इसका कलर है बिल्कुल नहीं जाता है, तो मैं पानी से इसको क्लीन कर लेती हूँ। इस जगह पे मैंने ये शोपीस इसलिए रखा है कि उस कॉर्नर पे ना कुछ भी सामान रखो तो उसको यूज़ करना लेना मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैंने शोपीस रख दिया है ताकि वो जगह थोड़ा सा डेकोरेटिव भी लगे और मुझे ज़्यादा यूज़ भी ना करना पड़े। और ये जो ऑयल कंटेनर है ना इसको मैं बाहर से ऐसे क्लीन कर लूँगी, थोड़ा क्लीन हो जाएगा। थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होता है तो मैं स्क्रबर से ही घिस के उसको थोड़ा बहुत क्लीन कर लेती हूँ, और अंदर का पोर्शन इतनी फ्रिक्वेंटली क्लीन नहीं करती हूँ। Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. ठीक उसी तरह से ही ना गैस के पास जो जो कंटेनर है मेरा बाहर से बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो हर बार मैं अंदर का पोर्शन क्लीन नहीं करती हूँ, बाहर का पोर्शन इस तरह से घिस के क्लीन कर देती हूँ ताकि बाहर से वो क्लीन लगे। और अंदर का पोर्शन तो साल में 2-3 बार ही क्लीन करती हूँ, जैसे दिवाली के टाइम, पहला वैशाख के टाइम, इस तरह से ना थोड़ा सा स्क्रबर से घिस के मैं कभी धो लेती हूँ, कभी ड्राई कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। From falling down, I will keep on searching for my highs. टिश्यू पेपर रखने का मेरा देसी जुगाड़, तो ये पोटैटो स्मैशर है, इसके ऊपर मैंने टिश्यू पेपर को रखा है, और ये ट्रे है इसको भी मुझे क्लीन करना है। ये जो क्लीनिंग है ना मैं मंथली 1 टाइम करती हूँ, ये जगह रेगुलर बेसिस में तो जब गैस को मैं क्लीन करती हूँ उस टाइम पे तो क्लीन होती है, बट चीज़ों को हटा के हर दिन करना पॉसिबल नहीं होती है। जैसे कि मंथली 1 बार कर दो तो पूरा मंथ ना ये जगह क्लीन रहता है। Say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. और ये मेरा एक बहुत रिसेंट परचेज़ है, इसके ऊपर ना ऑयली अभी तक ज़्यादा नहीं हुआ है, तो मैं एक ड्राई कपड़े से इसको क्लीन कर लूँगी, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. बड़े कंटेनर के साथ साथ मैं छोटे छोटे कंटेनर यूज़ करती हूँ ऑयल रखने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने ऑयल स्प्रे वाला एक बॉटल लिया है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये मैं पहले यूज़ करती थी, बीच में मैंने इसको धो के रख दिया था, फिर फील करना नहीं हुआ था। और इससे ना आप बहुत कम ऑयल यूज़ कर सकते हो, जब भी हम लोग डोसा वगैरह पराठे वगैरह बनाते हैं ना तो स्प्रे की मदद से अगर आप ऑयल को देते हो तो ज़्यादा ऑयल मतलब एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ नहीं होता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको मैंने फिर से इस जगह पे रख दिया है ताकि इसका इस्तेमाल मैं कर सकूँ। तो चलिए ये कॉर्नर तो मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है, और साथ ही साथ ना मैंने एक नई चीज़ खरीदी है ऑनलाइन से, तो वो भी देख लेते हैं। और ये ना मैंने एक टिश्यू होल्डर ख़रीदा है जो वॉल पे स्टिक करने वाला है, तो ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैं टिश्यू को ना जो पोटैटो स्मैशर है उस स्टैंड पे रखती थी, और इसको ना एक साइड में करके मैं होल्ड करके रख सकती हूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए किचन को जो बाकी का काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद इसको स्टिक करेंगे। You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. और मैं किचन लैमिनेशन को जब क्लीन करती हूँ ना तो वो भी डिवाइड करके करती हूँ, एक दिन मैं नीचे वाला जो पोर्शन है उसको करती हूँ और दूसरे दिन ऊपर का पोर्शन करती हूँ।
और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी हेल्पिंग हैंड आ गई है, तो उसने बर्तन क्लीन कर दिया है, अभी झाड़ू पोछा करेगी। तो ये काम मुझे बहुत जल्दी जल्दी कर लेना है और मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ये काम मैं ख़त्म करूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिम्बा आ गया है, क्योंकि उसको भी काम करना है। और जब भी मैं मना कर रही हूँ ना, ज़्यादा करके वो अंदर घुस रही है। तो फाइनली वो थक के बैठ गया है, अभी मैं अपना काम आराम से कर सकती हूँ। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से क्लीन कर लेते हैं। ये जो दो ट्रे है ना, ये मैं विंडो पे रखती हूँ, और यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल प्लांट रखती हूँ। रियल प्लांट मैं नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि जो गैस का फ्लेम है उससे ना प्लांट ख़राब हो जाएगा, और जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं रियल प्लांट वहाँ पे नहीं रखती हूँ, और कोई भी दूसरा चीज़ मैं वहाँ पर रखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो भी मैं रखती हूँ बहुत जल्दी जल्दी वो एकदम से चिपचिपा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। मुझे ना वो जगह खाली भी रखना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए ना मैंने ऐसे ही सजा दिया है जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगे। तो बस चलिए, आज का मेरा किचन क्लीनिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। यू कैन से आई लॉस्ट माय माइंड, आई विल कीप ऑन होल्डिंग माय हेड हाई. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down. Get up and start from the ground.